Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मजा आया जिस तरीके से इस इंसान ने सिचुएशन को संभाला। और अगर आप भी किसी मुसीबत या दिक्कत में हैं और आप हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और नीचे लिखे गए मेल आईडी पे हमें अपनी सारी डिटेल्स को मेल कीजिए। हम जिस भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकेंगे जरूर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हेलो हेलो जी। अरे भाई जगदीश जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिमाग खराब क्यों कर रहे हो हमारा, ये बताओ। क्यों, क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे पहले? रुपए प्लस से बात कर रहा हूँ मैं। अभी तुम्हारे ऊपर डिफॉल्टर का केस लगा के 420 का केस लगा के तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा मैं। कल शाम तक नोटिस आ जाएगा तुम्हें अगर अमाउंट नहीं आया हमारा तो एक घंटे के अंदर। मजाक चल रहा है ये कोई? ठीक है, दूसरा लोन दिलाने के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा लोन दिलाने के लिए यहाँ सोच रहे हैं। नहीं मत सोचिए ना, पहले तो हमने वो डिफॉल्टर, हाँ कर दीजिए डिफॉल्टर। क्या बोल रहे हो? हाँ कर दीजिए डिफॉल्टर, कर दीजिए, केस डाल दीजिए। डिफॉल्टर नहीं करेंगे भाई, ये जो तुमने पहले ये किया हुआ है ना, इतने एड्रेस बुक में तुम्हारा जो नंबर है ना, सारे नंबरों से सबका ये ले रहे हैं, बयान ले रहे हैं हम सबका कि तुम इस आदमी को जानते भी हो या नहीं जानते हो। अलग गलत रेफरेंस देने के इल्जाम में, गलत एविडेंस देने के इल्जाम में 420 का केस लगाएंगे। सबका बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी हम। तीन बंदे अभी तक बयान दे चुके हैं तुम्हारे खिलाफ, तीनों के तीनों बात करेंगे तुमसे। हाँ ठीक है, कर रहे हो ना? हाँ, तुम्हारी तो ऐसी वाट लगेगी ना भाई। हाँ, तो मजाक लग रहा है ये, पेमेंट कर दो अभी, पेमेंट हमारा, हमें पेमेंट चाहिए। तो मैंने बोला था कि मैं कर दूंगा अभी शाम तक, या शाम तक हो जाएगा या 1 बजे तक हो जाएगा। कितने बजे तक हो जाएगा? कितने बजे तक बताओ मेरे को, टाइम बताओ। मैंने बोला था 1 बजे तक हो जाएगा या फिर शाम तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लगा लिया, नहीं तो अब लगा लीजिए, उनसे ले लीजिए। ठीक है, और करवा दीजिए केस मेरे को। ठीक है भाई, सुन मेरी बात। हाँ, सुन अब सुन, एक बात बता दे रहा हूँ, 1 बजे के बाद तुमने फोन उठाना बंद किया तब तो मैंने लगाया उनको फोन। नहीं तो आप लगा लीजिए, कर लीजिए जा। ठीक है, केस लगा दीजिए। कर लीजिए का मतलब क्या है? कर लीजिए का मतलब क्या है? नहीं आप केस कर लीजिए मेरे पे जा। कर लीजिए का क्या? हाँ। अरे बद्री लाल से मैं बात करता हूँ, कर लीजिए का मतलब तुम बता रहे हो हमको? हाँ, कर बद्री लाल से ही मैं सीधे बात करवाता हूँ ना। सुनो सुनो सुनो, बद्री लाल जी पैसे देंगे हमें? तुमको ये मजाक लग रहा है ना? अभी जाके तुम्हारे घर से पैसे निकलवाऊंगा मैं। हाँ तो आप ये काम करिए, आधार कार्ड पैन कार्ड तुम्हें तो हम अभी ये देते हैं, जो भी ये तुम्हारी ये होगी, टेंशन ना लो तुम। हाँ, मजाक, तुमको ये मजाक लग रहा है? पैसे लेके कंपनी पैसे देती है ना, तो निकलवाने के पहले से रखती है, जुगाड़ रखती है, समझ रहे हो? जब भी तुम्हारे जैसे फ्रॉड इंसान को पैसे मिल जा रहे हैं, ये तुम कम समझ रहे हो क्या? नहीं आप तुम्हें आपने खरीदना करे ना तो करिए आप। ठीक है, आप उनसे ले लिए और मेरे को क्या, आप जेल करवा दीजिए और क्या होगा? ठीक है ना, फोन करवा दीजिए, केस डाल दीजिए आप। नहीं आपसे जो बने वो कर लीजिए आप, जाओ। ठीक है ना, जो करना है वो कर लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, बोल रहे हैं ना। आपसे जो भी बने वो कर लीजिए आप, मेरे को इतनी धमकी दे रहे हैं ना, तो कर लीजिए आप, जाइए। धमकी नहीं दे रहे हैं अभी, धमकी नहीं दे रहे हैं अभी, तो समझा रहे हैं भाई हम तुमको, धमकी कहाँ दे रहे हैं? नहीं, तो घर पे आके देंगे तुम्हारे। तुमने मेरे को 1700 रुपए दिए, बड़े धमकी तो 1700 रुपए दिए, बड़े एहसान कर दिए आपने। ठीक है जाओ। अरे भाई तो तुमने लिए, हमने कोई जबरदस्ती दिया क्या? तुमने क्यों नहीं किया? तुमने दिए ना, तुमने दिए, मैंने थोड़ी बोला, फोन लगाया था मेरे को, पूछा था आपने। हाँ ठीक, हमने पूछा था तुमको जब पैसे चाहिए। नहीं तो आपने फोन लगाया था मेरे को कि दूं कि नहीं दूं आपको, कि आप कैसे आदमी हो, या फिर मेरे रिप्लेंस को पहले फोन लगाया था आपने क्या? नहीं लगाया ना। मैं तुमको ना, तो फिर ये जो पैसे लिए हैं इसका क्या, ये कौन देगा? नहीं तो मैं दूंगा पैसे, तो मैं दूंगा नहीं, तो आपने फोन उनको लगाया था, आप उनसे ले लीजिए। आप फोन लगाया नहीं, आप वो मेरे को फोन लगा के बोल रहे ना, तो आप उनसे ले लीजिए। नहीं मैं नहीं दूंगा, आप नहीं दूंगा, दोगे? नहीं, आप नहीं दूंगा, आप नहीं दूंगा, मैं आपको शांति नहीं है ना, आप नहीं दूंगा मैं। आप अरे भाई साहब, शांति कैसे होगी जब तुम बोलोगे, टाइम बोलोगे? नहीं नहीं, आपको केस करना, केस कर लीजिए, नहीं केस करिए आप। ठीक है ना, केस करिए आप। अच्छा जी, मतलब तुम नहीं समझोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं समझूंगा, नहीं क्योंकि आपने ये बात ही ऐसी करी ना, उनको फोन लगाया, सबसे लगा दिया ना आपने, लगा दिया आप, करो केस करो आप, मैं तैयार हूँ, घर पे ही हूँ, घर पे आ जाओ। ठीक है ना? अच्छा हाँ, घर पे हूँ, घर पे ही बैठा हूँ मैं, और 24 घंटे घर पे ही मिलता हूँ, मतलब 24 घंटे घर पे ही रहता हूँ। इतने बड़े बड़े, नहीं 24 घंटे घर पे ही रहता हूँ। बातें कर रहे हो तुम? नहीं बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे रहते हो? नहीं तुम्हारे घर पे सब ये जितनी भी है,
सबसे लेके बैठा हूं। फोन क्यों ना, तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे ये बताओ। नहीं फोन नहीं उठा रहा था मैं तो गया था बाहर थोड़ा, तब बिहार आया हूँ घर पे, फोन गाड़ी में था साइलेंट था, नहीं उठा पाया। ये बताओ फिर, ये बताओ ठीक है आपने आपने नंबर दिया फिर हाँ। सारा गलत नंबर क्यों दिया ये बताओ पहले। वो इसलिए दिया मैंने क्योंकि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ ना। क्या फ्रॉड हुआ? बहुत फ्रॉड हुआ, मैं कम से कम 80,000 के नीचे हूँ तुम्हारी। तुम पैसे लोगे ना, तुम पैसे लोगे टाइम पे ना भरोगे तो फिर क्या कंपनी वाले तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, मांगना छोड़ देंगे? नहीं तो कंपनी वाले ने फ्रॉड किया ना, 60,000 का दिखाते हैं, 2,000 रुपए डालते हैं अकाउंट में और 15 दिन का 10 ओवर देते हैं। अरे इसलिए मैं तो देखो समझ रहे हो, मैंने ना हाँ। मैंने क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि मनी क्लिक में आपको बहुत ज्यादा हाइक मिलेगा, 1,20,000 तक का मिलेगा हाइक। आप पहले ही अपना रिकॉर्ड खराब कर ले रहे हो। नहीं मिलेगा, नहीं मेरे को मालूम है, नहीं मिलेगा। मैंने केस बीन वाले भी पहले ऐसे ही बोला, सुपर केस वाले ने भी पहले ऐसे ही बोला, और वो रूपी मैक्स वाले ने भी पहले ऐसे ही बोला, गो टू केस वाले ने पहले ऐसे ही बोला, उनका भी नहीं बनाया। मैं आपको मेरी सच्चाई बता रहा हूँ, कम से कम 10-15 ऐप से लेके रखा हूँ मैं, और फ्रॉड केस तो मेरे पास न्यूज भी होना है मेरा, तो नहीं हो जान दो, नहीं मैं तो तैयार हूँ। मतलब 2,000 रुपए के लिए अपने पूरे जीवन दाव पे लगा रहे हैं कि लोन नहीं तो आपका तो 2,000 रुपए नहीं, आपका तो 2,000 रुपए है, दूसरे ऐप से भी है, कोई से 6 है, कोई से 8 है, कोई से 12 है, कोई से 10 है, चेक कर लीजिए अपने रिकॉर्ड मेरा। अच्छा हाँ, मैं सबसे बड़ा फ्रॉड हूँ क्या? ये जो फोन लगा के बोल रहे हैं ना मेरे को, उनसे भी ज्यादा फ्रॉड हूँ। अच्छा हाँ, समझ गया, मैं समझ गया, समझ गए ना। ठीक है, और उन भाइयों को बोल देना मतलब केस भी करे तो कर दे मेरे आपको, को आपको हाँ जी सॉरी क्या नहीं, आप केस भी करो तो कर दीजिए मेरे पे, ऐसा भी तैयार हूँ क्योंकि मैं यूँ भी बहुत माथे हो गए, यूँ भी मेरे को मतलब जीने से ही कोई मतलब नहीं है। क्या सॉरी क्या क्या बोल रहे हो? वैसे मेरे ऊपर कर्जा इतना हो गया है, माथा ही बहुत हो गया तुम्हारे एप्स के चक्करों में। हालांकि हाँ। तुम्हारी गलती तो? नहीं, तुमने तो एक ही बार दिया है मेरे को, पर मैंने केस भी इनसे और इनसे कम से कम 15-15 बार लिया, हर बार 1,000-1,200 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा दिया उनको, फिर भी वही 15 दिन। आप कैश बिन नहीं सुनो हाँ। आप वो कैश बिन और हमारी कंपनी को एक कैसे कर रहे हो? मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप 1 बजे के पहले एक लोन देने में आइए करते हो, हम आपका 1,20,000 तक का लिमिट ले जाएंगे, आपको ये बात समझ में आता है? ठीक है, नहीं सभी ये बोलते हैं तो अगला लोन नहीं मिलता तुमको। नहीं सर जी, मैं सभी यही बोलता हूँ, और आपका भी, आपकी कंपनी में देखा मेरे दोस्त का है, उसने 1,700 लिए, वापस आपने 2,500 दिए उसको। अरे ज्यादा मनी क्लिक का, हाँ मनी क्लिक का ही है, हाँ इसी रूपी मैक्स से ही लिया था सर, रूपी प्लस से। तो भाई साहब ऑफर एप्लीकेबल तो होना चाहिए ना, बंदे के प्रोफाइल पे भी तो शो होना चाहिए। हम कहाँ से लाके दे देंगे, अपने घर से लाके पैसे थोड़ा ना दे देंगे, कंपनी वाले देंगे तब तो हम बताते हैं। नहीं सर, वो सब शुरू में ऐसे ही बोलते हैं, सब लूटने का ही काम कर रहे हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं मेरे सर, मेरी गाड़ी बिक गई तुम्हारे चक्करों में। हाँ। ये बताओ ना, सुनो ये हाँ, बताओ हाँ, कि आपको आपने ये लोन जैसे भर दिया हाँ, ठीक है हाँ, तो आपको जो नेक्स्ट लोन मिलेगा वो इससे तो ज्यादा ही मिलेगा, 100-200 रुपए ज्यादा ही मिलेगा जी, समझ रहे हो जी, मिलेगा ना 100-200 रुपए तो ज्यादा ही मिलेगा आपके हिसाब से, मान लिया मैंने मिलेगा। तो उस समय आप डिफॉल्टर हो जाना, जब आपका ऐसा लगे तो आप पे करके देखो, अगर आपका अमाउंट नहीं 20,000 से इंक्रीज कराया तो फिर जो बोले सो, नाम बदल देना। लेकिन हाँ। लेकिन इसमें एक शर्त है, फिर आपको भाई आप कम से कम ये तो थोड़ी सी जेन्युइनिटी तो दिखाओगे, ऐसे ऐसे बातें करोगे, ऐसा ये करोगे, कहाँ से दिलाएंगे हम फ्रॉड वाले बातें करोगे तो बताओ। नहीं वो तो जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ ना, उसी कारण मैंने फ्रॉड किया, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे खानदान में नहीं है फ्रॉड करने का ये, लेकिन वो जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ ना, ऐसे ही मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। तो नहीं यार, दूसरे कंपनी को और हमारे कंपनी को एक साथ कैसे जोड़ सकते हो? हमारी कंपनी अभी ट्रायल ले रही है आपको, 7 डे का टर्म पीरियड पे देखे लोन, 7 दिन का लोन सुना है आपने, कौन देता है 7 दिन का लोन? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 7 दिन का और 15 दिन का कौन लोन देता है, मेरा क्रेडिट 20 से लोन चल रहा है। आप मेरी बात सुनिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कंपनी सुनो मेरी बात सुनिए, सर्वे का नाम सुने हो, सर्वे का नाम सुने हो, हम अभी सर्वे ले रहे हैं कि 7 दिन में जो बंदा पैसे लेके लौटाने की एबिलिटी रखता है वो लॉन्ग टर्म में आराम से लौटाएगा, समझ रहे हैं? नहीं आप मेरे को 7 दिन में अगर टेंशन रहता है, एक सर्वे होता है, और नहीं
फिर हम मेरे को गुस्सा इसलिए आया, आपने 1 बजे का बोला, मैंने आपको 1000 बार पूछा होगा कि भैया कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्लियरली बताना, हमें फीडबैक शेयर करना है, आपको लोन चाहिए तो, आपने बोला हाँ जी कर देंगे, हाँ जी कर देंगे, 1 बजे आप गायब हो लिए, बताओ ऐसे काम चलता है? फोन नहीं उठाने से कोई हम इंसान है भाई, खा थोड़े जाएंगे फोन में घुस के, बताओ इंसान ही है हम, फोन ही तो बात ही तो कर सकते हैं हम। सर मैं समझ गया, मेरा देखो आप रिकॉर्ड देखिए, मेरा जो धनी ऐप्स का नाम सुना होगा आपने। सर हमें धनी ऐप वो ऐप से मतलब नहीं है, हमें अपने कस्टमरों को 1,20,000 तक की लिमिट लेके जानी है, जिसका टर्निंग आपको 1 साल से 3 साल तक के बीच में होगा, ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं आप उसका। जी मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मेरा धनी ऐप से 32,000 मतलब 40,000 का लोन, उसमें सही 60 महीने की टू बिल्कुल चल रहा है मेरा रिकॉर्ड, और एक क्रेडिट बीट ने भी मेरे को दिया तो उसने 15,000 दिया, तो उसने 3 महीने का दिया, ठीक है 5,000 रुपये महीने भर रहा हूँ उसका भी, वो भी सही 60 चल रहा है, वो भी मेरे को अच्छी लगी एप्लीकेशन, क्रेडिट बीट जो है वो, और जो बाकी जो एप्लीकेशन तो ये सब फ्रॉड ही लगी मेरे को तो। नहीं अरे भाई साहब तो वही तो बोल रहा हूँ, पे करोगे तब तो पता चलेगा ना यार, ऐसे कैसे होगा बताओ। नहीं तो मैंने सब में ही पे किया है जब, तो फिर मैंने देखो पहले मेरा, आप अगर अगर आपको अगर आइडिया हो तो गो टू केस में चेक कर लेना, मैं देख रहा हूँ सही है तभी तो सर। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरा एक फोर व्हीलर का भी लोन चल रहा है क्या आपके? नहीं नहीं आप ये बताओ आपके उस दोस्त पे क्यों नहीं शो हुआ, आप पे क्यों शो हो रहा है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, होगा सिविल स्कोर का नाम सुना है ना आपने? हाँ सुना है मेरा, 750 से ऊपर ही है वो, सिविल स्कोर अपडेट होता है। हाँ 750 से ऊपर ही है मेरा सिविल स्कोर। हाँ और एक नॉर्मल लोन लेने के लिए सिविल स्कोर होना चाहिए 350, और आपका कितना है? 750 से ऊपर ही है मेरा। तो आप बताओ, अब बताओ किसका सिविल स्कोर सही है, किसको लोन ये मिलेगा एक्स्ट्रा अमाउंट वाला? जिसका 300 सिविल स्कोर है उसको 1,00,000 का लोन कंपनी पागल दे देगी बताओ? जी सर नहीं मिलेगा। तो मैं सर ये बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे को 20,000 का लोन देते हो और 6 महीने का टर्नओवर कर देते हो, एमआई 6 महीने का बना दीजिए, 6 महीने का बना सकते हो? देखिए सर उसमें उसमें आपका ये होगा जैसे टर्निंग होगा 1 महीने से लेके 6 महीने तक के बीच में सेलेक्ट करने का, समझ रहे हैं जी? मतलब सॉरी 6 महीने ने 3 महीने के बीच में सेलेक्ट करने का, 1 से 3 महीने के बीच में वो आप सेलेक्ट करेंगे टर्निंग, आपको कितना ब्याज क्या लग रहा है कैसे लग रहा है आपको, जो कंफर्टेबल जिसमें आप हो रहे हैं आप उस हिसाब से उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके जी। तो सर एक बात बताइए मेरे को, आप ज्यादा मत दीजिए, 10,000 रुपये दे दीजिए और 3 महीने का ये कर दीजिए। उसमें वही तो बोल रहा हूँ, आपको मैक्सिमम शो आउट होगा, उसमें से आप जितना कैलकुलेट करें जितना करना चाहें आप ले सकते हैं, समझे? वो एक कार्ड की तरह होगा आपके, ऐसा नहीं है कि जो शो हो गया उतना आपको लेना ही है, आप उसमें मिनिमम भी ले सकते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं। नहीं सर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, नहीं होगा मैं रिपेमेंट कर देता हूँ, चलो मैं आपका रिपेमेंट अभी कर देता हूँ फोन करते हुए, लेकिन नहीं होगा शो सर। ना रे सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप हमें 15-20 मिनट का समय दीजिएगा। ऑलरेडी सर आप डिले हो चुका है, मैंने आपका फीडबैक 1 बजे का भेज दिया था, 1 बजे पेमेंट कर दिया होता अभी तक आप वहाँ पे शो कर रहे होते, आपके अकाउंट में कब के पैसे डिपोजिट हो गए रहते, वहाँ पे आप सर जस्ट क्लिक करते आपके अकाउंट में पैसे आते, समझ रहे हैं जी? जी जगदीश जी जी सर समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी तो सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। सर जगदीश जी मैं समझ, हद है यार मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई, आपको समझ में नहीं आता है यार एक बार में? नहीं मेरे को समझ में सब समझ में आ रहा है, लेकिन यार सर मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है पहले भी, चलो ठीक है मैं 2,000 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2,2100 रुपये। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर अच्छा ठीक है आपको हायर अमाउंट नहीं मिला तो कंपनी की तरफ से नेक्स्ट लोन तो मिलेगा ना ज्यादा कम का अमाउंट का, उस समय आप डिफॉल्ट मार दीजिएगा, ठीक है उस समय आप ये कर दीजिएगा, पेमेंट मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको यार, मतलब नहीं पर आप भी वो तो मेरे को पता है, वो तो आप भी इसी ईयर भरवा लोगे ना, वो तो मेरे एप्लीकेशन ही क्लोज अनलॉक कर दोगे मालूम है तो मेरे को। सॉरी क्या अनलॉक कर दोगे? क्या कर दोगे? वो लॉक लगा दोगे कि नहीं लगाओ? अरे सर जी हे भगवान छोड़ो, रहने दो आप पेमेंट मत करो, मैं अब नहीं दे सकता यार आपसे बहसबाजी करना ही नहीं है मेरे को, आप पेमेंट मत ही करो यार, आपको जब नहीं चाहिए लोन फिर मत। नहीं लोन मेरे को चाहिए, देखो लोन मेरे को चाहिए, मैं लोन लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को सही तरीके से कोई लोन दे तो मैं भी उस लोन को समझूं कि नहीं वाकई में ये लोन है, समझ रहे आप मेरी बात को? मैम मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सर मैं ना मेरी बात सुनिए सर, मैं कम से कम ये 8 महीने से इसमें इस उलझन में फंसा हुआ हूँ, और इस महीने ही मैं निकला हूँ, क्योंकि सबका मैं रीपेमेंट किसी का भी नहीं कर रहा हूँ।
ओके तो आप नहीं सुनिए जगदीश जी, आप ठीक है, आप पेमेंट कीजिए, मैं हर एक बार तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना, नहीं आप एक बार और ट्रस्ट कर सकते हैं ना, अगर आपको करना है तो आप पेमेंट कीजिए, ठीक है, आप 15 मिनट का समय दीजिए, 15 मिनट का समय दीजिए, आप ऐप खोलिएगा, 15 मिनट बाद आपको फिर मैसेज आएगा, अगर नहीं आया इसके बाद से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आप रिकॉर्डेड लाइन पे रखिए, आप रिकॉर्डेड लाइन पे रहिए, रिकॉर्ड कीजिए, केस कर दीजिएगा कंपनी पे। नहीं मैं केस करके क्या करूँ फालतू, मेरा ही नुकसान है उसमें, केस भी मैं करूँ क्योंकि फ्रॉड में मैं ही धराऊंगा, नहीं मेरे पास 10-12 एप्लीकेशन चल रही है, बिल्कुल वही। देखिए अब आप तुम्हारा एप्लीकेशन से हमें मतलब नहीं है सर, और ये मेरा जॉब है, आपको मेरे को कंपनी ने यहाँ बैठाया है। हाँ, वो भी मैं भी समझता हूँ, आप भी जो आप भी नौकरी कर रहे हो, मैं भी ये समझता हूँ। आप नहीं, अरे सर जी आपको मैं अमाउंट अप्रूव कराऊंगा, उसमें मेरा भी फायदा है, समझ रहे हैं? हाँ जी समझ रहा हूँ, मतलब मैं आपको अमाउंट जितना ज्यादा ये कराऊंगा, इम्प्रूव कराऊंगा जी, अप्रूव कराऊंगा उतना मेरे को फायदा है, समझ रहे हैं? तो बस यही है मेरा फायदा, तो मैं क्यों नुकसान करूंगा भाई, ये बताओ, मैं खुद का नुकसान क्यों करूंगा? ठीक है सर, मैं देखो अभी तो मैं आज का भी पक्का नहीं बता सकता हूँ, देखो करूं या नहीं करूं। नहीं 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 फिर आप रहने दो, नहीं नहीं आप रहने दो, फिर रहने दो, मैं वैसा आज कोशिश करता हूँ, 4 बजे पहले कभी हो जाए, आप 4 बजे के पहले मैं कभी कर दूंगा, देखते हैं। देखिए सर अगर आज पेमेंट आई आपकी वो भी जल्दी, समझ रहे हैं, तभी मैं अप्रूव कर पाऊंगा, नहीं तो हमारे हाथ में ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से दे दूंगा, घर से थोड़ा ला के दे दूंगा आपको? ठीक है मैं 4 बजे से पहले कहाँ से भी करता हूँ ऐसे? नहीं नहीं बताओ, मैं अपने घर से पैसे दूंगा आपको? घर से तो दूंगा नहीं, कोई भी अपने घर से पैसे नहीं दूंगा जी। हाँ हाँ मिलेगा तभी दूंगा ना, तो मिलेगा कब? जब आप टाइम पे पेमेंट करोगे तब। जब आप टाइम पे पेमेंट ही नहीं करोगे फिर कहाँ से लाऊंगा पैसे मैं देने के लिए जी सर? उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं, आप और आप दूसरे जगह भी ऐसा ही करते होगे, टाइम बोलते होगे कि कर दूंगा सर, कर दे रहा हूँ पेमेंट, और उसके बाद आप 2 दिन बाद पेमेंट करोगे, तो वो कहाँ से बंदा कहाँ से लाएगा पैसा, तुम बताओ, आपका अप्रूव करने के लिए? जी सर समझ रहा हूँ, ठीक, समझ रहे हो ना? हाँ, अब जैसे हमारे हाथ में रहता है वो ऑफर कुछ देर के लिए ही रहता है, कुछ देर में बंदों ने पेमेंट किया, अप्लाई करके भेज दिया, समझ रहे हैं? जी जी समझ रहा हूँ। आप समझना ही नहीं चाहते हैं, क्या समझेंगे सर आप? नहीं समझ रहा हूँ मैं, करता हूँ देखो पेमेंट आपका। नहीं नहीं अब देखिए, आप पेमेंट करेंगे, आपको जल्दी करेंगे, आपको फायदा मिलेगा, आप नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली 100% लिखित बता दे रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हैं? ठीक है मैं जल्दी करता हूँ। हाँ ठीक, उसके बाद आप फिर गालियाँ देते रहो, सुनाते रहो, जो सुनाना जैसे सुनाना है, अब हम क्या कर सकते हैं? जब नहीं नहीं मैं गाली देखो मैं गाली में देखो आपने भी नहीं दी ना, मैंने भी नहीं दी, मैंने दी कि आपको गाली, आपने भी नहीं दी मेरे को, ठीक है ना, समझ रहा है? देखो आपने भी कोई बदतमीज नहीं करी मेरे साथ, और मैंने भी आपसे कोई बदतमीज नहीं करी जी जगदीश जी। तो भाई देखो बदतमीजी से हमें बात करने से मतलब नहीं है, हमें आपको अमाउंट अप्रूव कराने से मतलब है, जब आपकी पेमेंट पिछली क्लियर होगी तभी नेक्स्ट लोन के लिए आप अप्लीकेशन होगे, नेक्स्ट लोन पिछली क्लियर होगी उसका 10-15 मिनट हमें समय चाहिए बाद में, आप वो जितनी जल्दी हमें समय देंगे उतना अच्छा आपको अमाउंट मिलेगा, जितना देरी करेंगे उतना कम अमाउंट मिलेगा, आज नहीं पे कर पाएंगे अमाउंट ही नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है सर, हाँ समझ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.